नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति 4 साल पहले 2015 में मारा जा चुका हो वो 4 साल बाद 2019 में किसी की जान बचा सकता है? ऐसा कहते हैं कि इंसान की तानाशाही चाहे जितनी भी बढ़ जाए लेकिन भगवान की रहमदिली उसे कभी जीतने नहीं देगी, और ऐसा ही एक उदाहरण पेश करता है हमारा आज का ये केस। 4 साल पहले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद 4 साल तक उसे न्याय तो क्या, उसे पहचान भी नहीं मिल पाई, और आखिरकार औरंगाबाद पुलिस को उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ।2019 में एक अपहरण होता है जिसकी आग इतनी भड़कती है कि यह केस पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। 2 अपराधों के बीच में एक ऐसा अप्रत्याशित जुड़ाव, एक ऐसा कारण सामने आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब उन लोगों के चेहरे ढके हुए थे तो मैं उन्हें देख कैसे पाता? कोई बात नहीं, आप उनका हुलिया बताइए, हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं। मजाक कर रहे हैं आप? मतलब वो लोग मोटे थे, पतले थे, लंबे थे, नाटे थे, ये बात जानकर आप उन्हें ढूंढ निकालेंगे? कमाल है। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, आज ही तो आप पे हमला हुआ है, और कहीं वो लोग फिर से घात लगा के बैठे हो तो? मेरे बिना स्कूल वाले विहान को छोड़ेंगे नहीं, और ड्राइवर के साथ तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। आपको क्या लगता है स्कूल वाले आपके साथ आने देंगे? उस औरत ने उन्हें भी मना कर दिया होगा आपके साथ भेजने से। मैं देखता हूँ किसके बाप में हिम्मत है मुझे रोकने की। मैडम, मैडम आपका अंदर जाना मना। मैडम, मैडम बड़े साहब नाराज हो जाएंगे। अरे बड़े साहब को तो देख लूंगी मैं। मैडम आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई व्यान को यहाँ लाने की? हाँ, आप लोग इसे स्कूल से सीधा यहाँ ले आए और मुझे खबर तक नहीं की, और जब मैं फोन कर रही हूँ तो आप लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे। आप लोगों को जरा भी आइडिया कि मैं कितनी परेशान हूँ? इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे। तुम्हें खबर करना कोई जरूरी नहीं है, विहान हमारा पोता है, हमारा जब दिल चाहेगा तब हम इसे मिलेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आपका ये प्यार तब कहाँ चला गया था जब आपका बेटा जिंदा था? चलो विहान, विहान चलो, विहान कहीं नहीं जाएगा। विहान मेरा बेटा है और मेरे साथ ही रहेगा। चलो विहान, 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 विहान कहीं नहीं जाएगा। छोड़िए विहान को, छोड़िए विहान को, चलो चलो बैठो कार में। मम्मा, मैं दादा और दादी से क्यों नहीं मिल सकता हूँ? वो तो अच्छे हैं ना, ये देखो उन्होंने कितने सारे पैसे दिए और कहा है कि एंजॉय करना। विहान, मैंने कहा ना आज के बाद तुम मेरी परमिशन के बिना दादा दादी से नहीं मिलोगे। अगर वो तुम्हें स्कूल लेने आए तो भी तुम मना कर दोगे। ओके ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो लो, ये पैसे मुझे वापस दो, मैं दादा दादी को दे दूंगी। बट मम्मा, मुझे इससे न्यू टॉयज लेना है। विहान, अभी प्रॉमिस किया था ना, किया था ना, तो चलो लाओ दो। मैं बोल रहा हूं हरबंस चड्डा।
चलिए नीचे जाइए, टेरेस पर अलाउड नहीं है। चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। व्यान कहाँ हो? स्कूल बस आ गई है। व्यान, देखो थापा बार-बार हॉर्न मार रहा है। व्यान कहाँ हो? देखो अगर स्कूल बस छूटी ना तो तुम स्कूल जाने से रहे, और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी, ठीक है? व्यान, 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 मुझे नहीं जाना है। क्यों क्यों नहीं जाना स्कूल? दादाजी अपने साथ ले गए तो अब मुझ पे ही चिल्लाएंगे, मुझे नहीं जाना है। व्यान बस अब बहुत हो गया, चलो बाहर आओ। तुम ना बहुत जिद्दी हो गए हो, परेशान करके रखा है मुझे। अब मांगो तुम कोई ड्राइव, दिलाती हूं मैं तुम्हें। और ये जो वीडियो गेम वगैरह नहीं। हाय सुधा, एक्चुअली एक फेवर चाहिए था। व्यान ने ना अपनी बस मिस कर दी है, तो शाम तक इसे अपने घर रख लो प्लीज। निहारिका, व्यान को नहीं रख सकती हूँ मैं। जिग्नेश को पता चला मेरी तो खैर नहीं, वैसे भी उन्होंने तुम लोगों से बात करने के लिए मना किया। आई नो, बट प्लीज आज के लिए मैनेज कर लो। एक्चुअली ना ऑफिस जाने में मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई, कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, और मेरी मेट भी नहीं आई। अगर वो आ जाती ना तो मैं इसे उसके भरोसे छोड़ देती। निहारिका मैं नहीं रख सकती हूँ, मैं मना कर रही हूँ बावजूद तुम इसके रिक्वेस्ट कर रही हो। देखो अभी जिग्नेश घर पे नहीं है ना, आई प्रॉमिस उनके आने से पहले मैं इसे वापस ले जाऊँ, प्रॉमिस। आई एम सॉरी निहारिका, मैं व्यान को घर नहीं रख सकती। प्लीज सुधा, सिर्फ इतनी सी तो हेल्प मांग रही हूँ, प्लीज। हेल्प तो हमने तुम्हारे हस्बैंड की भी की थी ना, उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता तो है? ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है। सुधा प्लीज, अगर व्यान को नहीं रखना अपने पास तो मत रखो, लेकिन गौतम के लिए कुछ मत बोलो। चलो व्यान, तुम्हें स्कूल नहीं जाना ना। हाँ स्कूल नहीं जाना ना तुम्हें, तो रहो पूरा दिन घर पे अकेले, समझे? खाना फ्रिज में रखा, चुपचाप से खा लेना। चलो अंदर। हेलो, हाँ कांता कहाँ रह गई तू? जल्दी आ, व्यान घर पे अकेला है। उस दिन छत पे क्या करने गई थी तू? पता है मुझे, तेरी वजह से हम सब चिंता में है। मैंने कहा था आपको मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद करने, मैं जीऊँ या मरूँ आपको क्या करना है? तुम्हारे लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अच्छा, और अगर किसी की जान लेनी पड़े तो ले लेंगे। चल झूठा गई का। वैसे जान तो मैं भी ले सकती हूँ तुम्हारी, अगर तुम मुझसे दूर गए तो। आखिर कब तक चलेगा ये सब? ज्यादा दिन नहीं, अब इसका जड़ से इलाज करना होगा। व्यान चलो रेडी हो गए। ये क्या व्यान, अभी तक शूज नहीं पहने? अगर आज स्कूल बस छूटी ना तो बस घर पे बैठना, समझे तुम? चलो व्यान छोड़ो इसको, चलो चलो जल्दी से शूज पहनो अपने। चलो चलो चलो, तुम रोज लेट कर देते हो, इतनी देर लगाते हो ना तैयार होने में। बाय। Yeah.
नहीं मेरे। दिन दहाड़े हुई इस किडनैपिंग से मुंबई में हड़कंप मच गया। लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। जनता का प्रेशर तो था ही, ऊपर से सरकार ने भी इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। देखिए, क्राइम किसी भी वजह से कहीं भी हो सकता है। हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। अपराध की मानसिकता अपराधी के मिलने के बाद ही पता चल सकती है। हम उस बच्चे को जल्द से जल्द बिल्कुल सही सलामत उसके घर पहुंचाएंगे। इस केस में क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट नियुक्त कर दी गई है। जैन सर, चौहान 5 साल का एक बच्चा गायब हुआ है और हम पहले ही काफी वक्त गवा चुके हैं। टीवी पर यह रिपोर्ट इतनी बार चल चुकी है कि मुझे डर है कि कहीं ये रिपोर्ट देकर किडनैपर्स बौखला ना गया हो। उन्हें ये पता चल चुका होगा कि ये केस अब एक साधारण केस नहीं है, एक हाई प्रोफाइल केस है, और ऐसे में हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत ही क्रूशल है। सर, हमने हर मुमकिन गली की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। खबरी नेटवर्क को अलर्ट कर दिया है, सभी हिस्ट्री शीटर्स को उठाया जा रहा है, कुछ कांस्टेबल भी टारगेटेड एरियाज पे नजर रखे हुए हैं। अगर उनकी तरफ से एक पत्ता भी सरका तो हमें खबर मिल जाएगी। उस इलाके से कोई सीसीटीवी फुटेज मिले? सर, उस इलाके के सभी सीसीटीवीज की फुटेज किसी भी वक्त हमारे पास पहुंच सकती है। उस फुटेज से हमें ये पता चल जाएगा कि किडनैपर्स बच्चे को किस डायरेक्शन में लेके गए थे। एक बार ये पता चल जाए तो हम उस डायरेक्शन के सभी सीसीटीवीज की फुटेज चेक कर सकते हैं। चौहान, शिंदे, पाटिल, हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अगर न्यूज देखकर किडनैपर्स पैनिक हो चुके होंगे तो ये हमारे लिए सबसे बुरी खबर होगी। सब पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, किसने उसके साथ ऐसा किया। कुछ नहीं होगा विहान को, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जरूर मिल जाएगा। मुझे तो पहले से पता था इस लड़की के बस का कुछ नहीं है, ये उसकी देखभाल नहीं कर पाएगी। सर, बस में उस वक्त मौजूद सभी बच्चों से लेकर बस ड्राइवर, फीमेल अटेंडेंट सबसे बात की और सबने एक ही बात कही। सर, वो अचानक से बस के सामने आकर रुके। सर, वो 2 लोग थे, उन्होंने बंदूक दिखाकर बच्चे को उठाकर लेकर गए। सर, निहारिका डीजीएन बैंक में असिस्टेंट एडमिन मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है। इस वारदात के बाद उस एरिया के लोकल ऑफिसर ने उससे बात करने की कोशिश की थी। सर, मेरे बेटे, मेरे विहान के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सर प्लीज, सर प्लीज, उसे जल्दी ढूंढिए ना। सर प्लीज, वो बहुत छोटा है। सर, बहुत छोटा, मेरे से दूर कभी नहीं रहा। सर प्लीज, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए ना। सर, लेकिन वो इतने सदमे में थी कि उससे ठीक से बात नहीं हो पाई। सर, विहान की माँ निहारिका का फोन सर्वेलेंस पर डलवा दिया है, बस अब किडनैपर्स के कॉल का इंतजार है। चौहान, तुम निहारिका से फिर से बात करने की कोशिश करो, काफी वक्त गुजर चुका है और फिरौती का कोई कॉल नहीं आया है। टाइम इज टिकिंग लाइक अ टाइम बॉम्ब। स्कूल बस के ड्राइवर ने बताया कि आपने विहान के लिए बस 1 महीना पहले ही लगवाई थी। जी, उससे पहले विहान को मेरे पति स्कूल ड्रॉप किया करते थे। चलो विहान, यू आर रियली गेटिंग लेट। चलो चलो चल भाई, चल। ओके ओके, चलो बाय। अपना टिफिन पूरा फिनिश करना। ओके, 6 महीने पहले गौतम की डेथ हो गई थी। 5 महीने तक तो मैं जैसे तैसे सब कुछ मैनेज करती रही, पर फिर मैं ऑफिस के लिए हमेशा लेट हो जाया करती थी, इसलिए विहान के लिए मैंने 1 महीने पहले स्कूल बस अरेंज की थी। आपके पति गौतम की डेथ कैसे हुई? हार्ट अटैक से सर। देखिए, फिलहाल तो हमें किडनैपर्स के कॉल का इंतजार करना होगा, ये देखना होगा कि वो कितना पैसा मांगते हैं। पैसे? उनको पैसे की क्या जरूरत है सर, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे ससुर हरबंस चड्डा की। उनके अलावा ये काम और कौन कर सकता है? पर आपके ससुर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि गौतम की डेथ के बाद वो हर वक्त विहान को मुझसे छीनना चाहते थे सर। आप उन्हीं से जाकर पूछे ना कहाँ छुपा कर रखा है उन्होंने विहान को। वो इंसान अपनी इज्जत पूरी करने के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकता है सर। सब 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 ये फेस पे जूम करो। दो सौ सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ये हाथ लगाए, इतने ब्लर फोटो से क्या समझ आएगा? सर, इस वीडियो में फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी गाड़ी भिवंडी जाने वाली हाईवे की तरफ मुड़ी थी जहां से हमें ये सीसीटीवी फुटेज मिला। फोटोग्राफ काफी ब्लर है, इसमें से चेहरा ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल है। फिर भी ये फोटोग्राफ तुम लोगों को दिखाओ, शायद किडनैपर्स के कपड़े और बाइक के मॉडल से कोई कुछ बता पाए। इस केस में हम 1% चांस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर, ये हरबंस चड्डा शहर के काफी बड़ी हस्तियों में से एक है, काफी बड़ा बिजनेस है इसका, और ये गौतम हरबंस चड्डा का इकलौता बेटा था, और गौतम और निहारिका की शादी हरबंस चड्डा की मर्जी के खिलाफ जाके हुई।
निहारिका और चड्डा फैमिली के स्टेटस में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ सर, ये निहारिका असनसोल से और उसे उसकी मौसी ने पाल पोस के बड़ा किया था। और सर, गौतम की अपने बाप से ज्यादा बातचीत नहीं थी। इस लव मैरिज की वजह से? हाँ सर, गौतम ने निहारिका से शादी हरमन चड्डा की मर्जी के खिलाफ जाके की और उसके बाद अपने बाप का बिजनेस भी छोड़ दिया और फिर कहीं जॉब करने लगा और तभी से बाप बेटे में बात बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि हरमन चड्डा अपने पोते का किडनैप क्यों करवाएगा? अतुल, खून के रिश्ते कई बार इंसानी दिमाग को खूनी जुनून से भर देते हैं। चड्डा से मिलकर ही पता चलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई, कब तक चलेगा इसका ऐसे? पता नहीं, मुझे इससे डर लगने लगा है। कहीं सच में ये कुछ करने बैठे। उस लड़की को पहले आप किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। मैं अपने पोते को खुद अगवा करवाऊंगा? ऐसी ओछी हरकतें उस जैसे सड़क छाप लोग करते होंगे, हम जैसे खानदानी लोग नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने हमारे इकलौते बेटे को फंसाया ही था पैसों के लिए। औकात तो दो कौड़ी के नहीं थे और खर्चे महारानियों वाले थे। उसकी वजह से गौतम कर्ज में डूब गया था। एक कर्जदार तो एक दिन यहां हमारे बंगले पर पैसे मांगने के लिए आ गया था। जिसे तुमने कर्ज दिया था, मांगने भी उसी के पास जाओ। उसे कर्ज देने से पहले मुझसे पूछा था क्या, सलाह मशवरा किया था? नहीं ना, तो मैं उसका कर्ज क्यों चुकाऊं? चड्डा साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप गौतम के पिता हैं, आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैंने ये पैसा फजूल में लुटाने के लिए नहीं कमाया। देखिए, गौतम के बुरे वक्त में मैंने उसका साथ दिया था। तुम दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते थे, अब तुम्हारी जरूरत में तुम उसे याद करो। मेरा तुमसे या उससे कोई लेना देना नहीं है। अब समझा, जिसका बाप ऐसा हो उसका बेटा तो ऐसा होना ही था। मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर खड़े होकर नाचोगे। राम सिंह! जी साहब। इसे बाहर ले जाओ और आज के बाद ये हमारे बंगले के आसपास दिखाई भी नहीं देना चाहिए। अपना पैसा तो मैं निकलवा के रहूंगा, मेरा भी 10 लाख लुटाने के लिए नहीं था। ये पटेल कौन है? जिग्नेश पटेल, निहारिका का पड़ोसी है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इंस्पेक्टर साहब, निहारिका एक नंबर की बेशरम औरत है। पहले तो उसने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी और अब हमारा पोता गायब है और उसने तो इनको तक नहीं छोड़ा। मतलब? अभी 5 तारीख की बात है, जब मैं बैंक से पैसे लेकर बाहर निकल रहा था तो 2 लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की। जब वो मेरे पैसे लुटवा नहीं पाई तो उसने ये तरीका अपनाया। वो जानती है कि मैं अपने खानदान के आखिरी चिराग को बचाने के लिए कितने भी पैसे दे सकता हूं और मेरी इसी कमजोरी का फायदा वो उठाना चाहती है, इसलिए उसने अपने ही बेटे की किडनैपिंग करवाई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिन 2 लोगों ने आपसे पैसे लूटने की कोशिश की थी उन्हें निहारिका ने भेजा था? क्योंकि निहारिका उसी बैंक में काम करती है जिस बैंक में मेरा अकाउंट है। लूटपाट की उस वारदात के बारे में आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? जी, चैंबूर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है। मिस्टर चड्डा, हमें आपके फोन को सर्विलेंस पे डालना होगा, इन केस आपको रैंसम का कोई कॉल आता है तो। ओके, थैंक यू। सर, हमें लगा था कि चड्डा से मिलने के बाद चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अब इस केस में एक नया एंगल ऐड हो गया है, जिग्नेश पटेल। विहान के अपहरण को जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, क्राइम ब्रांच पर इस केस को सॉल्व करने का दबाव और किसी अनहोनी घटना के घटने की आशंका बढ़ती जा रही थी। हर एंगल को टटोला जा रहा था, संदिग्धों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही थी जिससे इस केस को हल करने में मदद मिल सके। समय को मात देने की दिन रात की कोशिश और अथक प्रयासों के बावजूद क्राइम ब्रांच के हाथ खाली थे। ऐसा लग रहा था मानो सारी की सारी तहकीकात घूम फिर कर वापस शून्य पर आ टिकी हो, पर बावजूद इसके क्राइम ब्रांच ने हार नहीं मानी थी। हेलो। 1 करोड़ में 50% डिस्काउंट ऑफर कर रही हूँ, यानी 50 लाख। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। विहान को कुछ नहीं होना चाहिए। तू बस पैसे तैयार रख। और हाँ, पुलिस को खबर किया ना तो पोता भेजूंगी तेरे पास, 50% डिस्काउंट के साथ, आधी बॉडी।
समझ रहे हैं ना? कॉल ट्रेस हुआ सर, रैंसम कॉल भिवंडी से किया गया था और किडनैपर्स ने कॉल करने के बाद नंबर ऑफ कर दिया। नंबर किसी राजेश कदम के नाम पर रजिस्टर्ड है। पूरी पॉसिबिलिटी है कि फेक आइडेंटिटी या फेक एड्रेस पे ये नंबर लिया गया होगा। फिर भी मैंने एसआई शीतल को तफ्तीश करने के लिए भेज दिया है। किडनैपर ने 50 लाख लेकर के चड्डा को शॉपिंग मॉल में बुलाया है। हमारे सिर्फ 8 से 10 लोग वहां पे होने चाहिए। ऑलराइट सर। सर वैसे आपको क्या लगता है इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? इस वक्त कुछ भी गेस करना मुश्किल है। हो सकता है पटेल या निहारिका या खुद चड्डा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जिस स्कूल बस से विहान का किडनैप हुआ था वो स्कूल बस पटेल ट्रांसपोर्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पटेल ट्रांसपोर्ट का मालिक जिग्नेश पटेल है, निहारिका का पड़ोसी, जिससे निहारिका के पति ने 10 लाख रुपए उधार लिए थे। इस पूरी जिग्नेश पटेल एंड कंपनी को यहाँ ले आओ। ड्राइवर वगैरह किसी को मत छोड़ना। हो सकता है कि अगर इस किडनैपिंग में इनमें से कोई भी शामिल है तो कल पैसे लेने के लिए शॉपिंग मॉल में कोई आए ही ना। राजेश कदम से मिलना है। आप लोग? क्राइम ब्रांच मुंबई। राजेश पिछले 4 साल से लापता है। मैं उसका पिताजी हूं। मैं खुद एक रिटायर्ड कांस्टेबल हूं मैडम। राजेश को ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया पर उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया वो? उस लड़की से मिलने के बाद बदल गया था राजेश। बीएससी कर रहा था लेकिन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के पता नहीं किन झोल झपेट में फंस गया था। हमेशा पैसे के पीछे भागता था। फ्रॉडबाजी कर रहा है तू? लोगों से पैसे लेट रहा है उसे दुगने करने के नाम पे? फ्रॉड नहीं हूं मैं, हिम्मत कर रहा हूं बड़ा बनने की। बड़ा बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये लोगों से झूठ बोलकर पैसे लेटने से कोई बड़ा नहीं बनता। सुन, उस लड़की के पीछे तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है राजेश। प्यार करता हूं मैं उससे और शादी भी करूंगा। सिर्फ पढ़ाई करने से और मेहनत करने से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता पापा। जिंदगी गुजर जाती है, भरोसा नहीं होता ना? तो अपने आप को ही देख लो, क्या उखाड़ लिया आपने मेहनत करके। लोगों से पैसे ऐड कर उसे जुए में हार कर मैं मुंह छुपाता नहीं फिर रहा हूं, ये उखाड़ लिया मैंने। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर आज के बाद तेरे किसी झोल झपाटे के बारे में मुझे पता चला ना तो भूखे पेट जेल में सड़ा दूंगा, समझा? अब जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो वो है कौन? मैडम उसका नाम दिव्या गोरे है, यही भिवंडी में रहती है। लेकिन मैडम राजेश के बारे में कुछ पता चला आपको? मेरी बात तो सुनिए। अरे ऐसे कैसे किसी को भी आप जबरदस्ती उसके घर से लेकर जा सकते हैं? सर मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। ये चलो। जिग्नेश, क्या जिग्नेश ने मेरे बेटे को किडनैप किया है? देखिए अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। चलो जिग्नेश, ये सब कुछ ना तुम लोगों की वजह से हो रहा है। एक तो जरूरत पड़ने पर तुम लोगों की मदद की, 10 लाख रुपए दिए वो तो लौटाए नहीं गए, अब मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। झूठा इल्जाम लगा रही हो? हाँ मुझे बताओ सुधा कि तुम्हारे पति ने किस जन्म का बदला निकालने के लिए मेरे बेटे को किडनैप किया। तुम्हें जरूर वो 10 लाख रुपए वापस मिलने का लालच आ गया होगा, है ना? इसीलिए तुम्हारे पति ने मेरे ससुर के साथ मिलकर मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। निहारिका अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना सुधा मैं कभी छोड़ूंगी नहीं तुम्हें और तुम्हारे पति को। गौतम के बाप से सीधे तरीके से पैसे नहीं निकले तो उसके पोते को उठा लिया? क्या बात कर रहे हैं सर आप, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। हाँ मैं चड्डा के घर गया था पैसे मांगने के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गौतम का बाप है, और इसलिए भी कि वो इतना पैसे वाला है कि 10 लाख रुपए देता तो भी फर्क नहीं पड़ता उसे। इतना अमीर कि अगर 50 लाख भी देता तो भी फर्क नहीं पड़ता, यही सोचा ना तूने? और शायद इसीलिए तूने अपने ड्राइवर को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। आप ये क्या बोल रहे हैं सर, हम इन सब चीज़ों में क्यों घसीट रहे हैं? हम तो विहान बाबा को अच्छे से जानते तक नहीं थे, फिर हम ये सब क्यों करेंगे? अपने मालिक जिग्नेश पटेल के कहने पे। बोल कितना जानता था तू इस किडनैपिंग के बारे में, कितना हिस्सा था तेरा? हिस्सा? सर मैंने किसी की किडनैपिंग ही नहीं की तो हिस्सा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चट्टा के पास जाने से पहले मैं निहारिका भाभी के पास गया था अपने पैसे मांगने, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। भलाई का तो जमा नहीं रहा सर, जब गौतम की हार्ट सर्जरी हुई थी तब मैंने पैसा दिया था, मैंने मदद की थी उसकी, और नतीजा यह है कि मैं यहां आपके सामने लॉकअप में बैठा हूं। वाह तू तो बड़ा नेक आदमी निकला, तो क्या करें तेरे नाम का मंदिर बनवा दे? देख अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कर,
मुझे फिलहाल सिर्फ इतना जानना है कि विहान कहाँ है। सर हमें क्या पता विहान कहाँ है, विहान को तो वो गुंडे उठा कर ले गए ना। अगर उस बच्चे को एक खरोच भी आई ना, खाल उतार लूंगा तुम लोगों को। मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। चल जी उठा गई का। काफ़ी टाइम हो गया, अब लगता नहीं कि कोई आएगा। और मुझे लगता है हम जिसके इंतज़ार में टाइम पास कर रहे थे वो यहाँ हमारे साथ ही आया था हमें बेवकूफ़ बनाने। सर चड्ढा तो पटेल को जानता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पटेल को 10 की जगह 20 लाख देके किसी ने सारा खेल रचा हो। बोल बयान का, कितने पैसे दिए थे चड्ढा ने तुझे? बोल। तुम दोनों यहाँ थे और वहाँ मॉल में पैसे लेने कोई आया नहीं, अब सच सच बताओ कि बच्चा कहाँ है, वरना अगर मैं थर्ड डिग्री पे आ गया ना तो बच्चा क्या उसके बाप का भी सही एड्रेस बताओगे तुम? मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे सर? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता विहान कहाँ है। प्लीज सर। क्या लगता है अतुल, ये दोनों इन्वॉल्व्ड हैं? सर ये उस लड़की दिव्या की पूरी कुंडली जिसके बारे में राजेश के पिता ने हमें बताया था। ये थापा और पटेल तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, इस दिव्या से मिलकर देखते हैं शायद कोई लीड मिल जाए। मैं और राजेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमने यहाँ से भाग जाने का प्लान भी बनाया था। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off.
रात राजेश नहीं आया, मैं इंतजार करती रही और अब 4 साल हो गए, राजेश अब तक नहीं आया। 4 साल से दिन रात उसके इंतजार में बैठी है, लेकिन आज तक वो इसे मिलने नहीं आया, इसकी वजह से डिप्रेशन में है सर ये। सर अगर वो आपको मिल जाए ना तो सबसे पहले आप मुझे बताना। साले हरामी ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, धोखा दे के भाग गया वो। चौहान 2 दिन बीत चुके हैं और अब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। पहले चड्ढा हमारा सस्पेक्ट था, फिर पटेल और अभी राजेश। सर हमें लगता है कि राजेश का काम सिर्फ एक्सट्रॉशन कॉल करने का ही है। थापा और पटेल हमारी कस्टडी में है और चड्ढा के घर पे हमारी एक टीम ऑलरेडी तैनात है। आई स्ट्रॉन्गली फील कि हमें अगली कॉल का इंतजार करना चाहिए। ऐसे केसेस में एक एक सेकंड क्रूशल होता है। किडनैपर्स अब अपनी अगली चाल चलने वाले होंगे और हमारी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। विहान किडनैपिंग केस को अब एक नई दिशा मिलने वाली थी। जहां से मोटरसाइकिल सवारों ने विहान का अपहरण किया था, भिवंडी के उस इलाके के लगभग 3 लाख फोन्स पर क्राइम ब्रांच अपनी नजर पहले से ही बनाए हुए थी, उन्हें मॉनिटर कर रही थी। फिरौती का ये फोन भी उसी इलाके से आया था जिसे पुलिस ट्रैक कर रही थी, जो भिवंडी के ही रहने वाले किसी राजेश कदम के नाम पर रजिस्टर्ड था। बेशक ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इससे भी बड़े खुलासे होने अभी बाकी थे, क्योंकि इस केस से एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां जुड़ी हुई थी। एक तरफ था विहान, वो कहां था, उसे किसने और क्यों अगवा किया था, और दूसरी तरफ थी दिव्या जो अपनी जान लेना चाहती थी। कहां है मेरा विहान? बताइए कहां छुपा के रखा है आप लोगों ने उसे? बोलिए मेरा बेटा विहान कहां है? और ये किडनैपिंग का नाटक क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों पैसे लेने नहीं आए वो लोग आज? क्योंकि ये सब आप लोगों ने ही किया है। मैं बोल रही हूँ, जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हेलो चड्ढा साहब, मेरी विहान से बात कराओ, मैं देखना चाहता हूँ कैसा है। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट? अरे आप प्रीमियम कस्टमर हो चड्ढा साहब, आपका ऑर्डर अब भी पूरा होगा। प्यून बेटा। हेलो, मैं वहाँ पैसे लेकर गया था। पैसे का बैग वैसे का वैसा तैयार करके रखना, नई जगह और टाइम दोनों बताने के लिए कॉल करूंगी। हेलो, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? क्यों नाटक कर रहे हैं आप लोग? प्लीज प्लीज मेरे बेटे को वापस ले आइए। आप लोगों ने देखा ना वो कितना डरा हुआ था। प्लीज प्लीज मुझे मेरा बेटा ना दीजिए वापस। सर एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। सर कॉल तो अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ हाथ लगा है, ये देखिए सर। सर एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे वॉइस एनालिस्ट के हिसाब से कॉल करने वाला या तो कोई किन्नर है या फिर कोई आदमी औरत की आवाज में बात कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा लीड हमारे हाथ लगा है चौहान। अब हम किडनैपर्स में से एक की शक्ल पहचानते हैं। इस फोटोग्राफ को सारे खबरी नेटवर्क में सर्कुलेट कर दो और साथ साथ में राजेश की तस्वीर भी सर्कुलेट कर दो, शायद उसे कोई जानता हो। हीरा, अरे हाय 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 हाय, क्या बात है साहब, आज कैसे याद किया हीरा को? बीबी आउट ऑफ टाउन है क्या? बकवास मत कर, एक जरूरी काम है। बोलो ना साहब। किडनैपिंग के एक मामले में इस 6 साल के बच्चे की जान दांव पे लगी है, विहान नाम है इसका, और हमें पूरा शक है कि इसमें तेरी बिरादरी के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। बच्चे का मामला है साहब, मैं ताबड़तोड़ पता करती हूँ। सर एक न्यू डेवलपमेंट है, हमें पता चला है कि आप एक लॉयर के टच में हैं और विहान की कस्टडी पाने के लिए निहारिका को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो
इसका विहान की किडनैपिंग से क्या लेना देना है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो विहान के बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि निहारिका उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती। और आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, कभी भी किसी के साथ शादी कर लेगी, लेकिन हमारे विहान का, हमारे विहान का क्या होगा? क्या वो सौतेले बाप के साथ रहेगा? तो कहीं आप लोगों ने ही विहान को पाने की डेस्परेशन में कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? मैं आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए शांत हूँ, वरना मैं अब तक आप लोगों को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा चुका होता। मेरा विहान कहाँ है? हाँ, कर क्या रहे आप लोग? अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए उसे? देखिए, जब तक मुझे मेरा बेटा विहान नहीं मिल जाता ना, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। हम दिन रात आपके बेटे को ढूंढने में लगे हुए हैं, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन कीजिए। मैडम, हमारी बिरादरी से तो कोई नहीं था। शोर हो तुम? नक्की मैडम। अच्छा, उस बच्चे के बारे में या उन दो किडनैपर्स के बारे में कुछ और पता चला? मैडम, बच्चे के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो फोटो दिया था ना आपने उस चिकने का, उसका नाम पंकज सिंह है, भाड़े का टट्टू है साला। पैसे दोगे ना मैडम तो मुजरा भी करके दिखाएगा। मुजरा तो हम उसे करेंगे लॉकअप, वो भी बिना पैसे दिए। मैडम, एक हफ्ते से गायब है। हाँ, उसका एक दोस्त है जिसके साथ उसका दिन रात का था। मैडम, मैडम क्या कर रही हैं आप? मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ लेके जा रही हैं आप उसे? बात तो सुनिए। सुनिए, निखिल, निखिल। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं? सर देख, 3 दिन से उस बच्चे को ना कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब अगर तूने टाइम वेस्ट किया ना तो तेरा कुत्ता बना देंगे। चल बोल, किसने हायर किया था तुझे? चड्डा ने? कौन चड्डा सर, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता सर। और इसे तो जानता होगा, तेरा दोस्त पंकज सिंह कहाँ है? सर, पंकज को तो मैं एक हफ्ते से मिला भी नहीं। और ये राजेश कदम, जिसके चक्कर में तेरी बहन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उसी को रखा हुआ है ना तूने फिरौती मांगने के लिए? सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, राजेश को तो मैं मिला भी नहीं। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो मैं कहूंगा वो तो करेगा, समझा? रेडी सर। हाँ बोल निखिल, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, बहुत टाइम हुआ ना हम लोग मिले नहीं, इसलिए। हाँ तो भाई, वो मेरी बहन ना, उसने सुसाइड ट्राई किया था। आप कहाँ हो अभी? कुछ काम था क्या? हाँ भाई, थोड़ा अर्जेंट काम था इसलिए मिलना था। अभी मैं बाहर हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। पंकज भाई, कौन है? भाई मैं निखिल। इधर का पता किसने दिया तेरे को? भाई जरूरी काम है, दरवाजा खोलो ना। चल बता, किसने हायर किया तुझे? मैंने किया सब, बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूं मैं, और ये प्लान भी मेरा ही था। छड्डा कितना पैसे वाला है ना साहब, उसकी टिप मिली थी मुझे। कैसी टिप? बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने वाला था वो भी कैश पेमेंट। मेरी नजरें थी उस पर, और उस रोज तो हम माल फंड करने के लिए गए भी थे। अगर उस दिन पैसे मिलते ना साहब, तो बच्चे को थोड़ी ना उठाता मैं। राजेश कदम कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है ना? राजेश, 4 साल पहले ठोक दिया मैंने उसको। क्या, लेकिन क्यों? मेरी बंदी पे नजरें लगाए बैठा था, मार दिया मैंने। तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहुत जल्दी कहीं निकल जाएंगे, मैं पैसों को बंदोबस्त कर रहा हूं। कौन हो भाई, मुझसे क्या चाहिए? दिल चाहिए रे मेरे को,
जो मेरे पास होना चाहिए था वो तेरे पास है, दिव्या गोरे का साले। मुंह कुचल दिया था मैंने उसका ताकि किसी को पता ना चले। कपड़े वपड़े तो जला दिए हाँ, लेकिन आईडी रख ली मैंने उसकी, उसी आईडी से तो नंबर खरीदा ना साहब, जो चड्डा के पोते की किडनैपिंग में काम आया। एक इंसान जो 4 साल पहले एक तानाशाह की सनक की वजह से मारा जा चुका था, 4 साल बाद उसने ना सिर्फ एक मासूम की जान बचाई बल्कि अपने आप को पहचान दिलवाई और न्याय भी दिलवाया। दूसरी तरफ अगर मिस्टर चड्डा ने अपने बेटे को जायदाद नहीं बल्कि एक इंसान समझा होता तो रिश्तों में इतनी कड़वाहट नहीं आती और उनका एक भरा पूरा सुखी परिवार होता। जब भी कभी ऐसी धारणा हावी हो तो दूसरों को थोड़ी स्पेस दें, उनसे बात करें, समझने समझाने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्तों में इतनी गुंजाइश हमेशा रहती है कि बातचीत से मामले हल किए जा सके। रिश्तों में कड़वाहट पालने से, दूरी बढ़ाने से सिर्फ तकलीफ मिलती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.